नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर नहीं करता हूं। इनको मैं रेगुलर बेसिस पे ट्रैक करते रहता हूं। सबसे पहले भी ऐसा लगता है दोस्तों कि सिगाची इंडस्ट्रीज में या तो हम कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपसे बताएं, देखिए जो हमारे बताने का तरीका रहता है दोस्तों, आपसे इतना ही बताना चाहते हैं। कन्वर्सेशन वारंट होता क्या है उसको हमने थोड़ा सा अपने पॉइंट से अपनी भाषा में बताने की कोशिश की है। एक प्रकार से ये भी देखा है तो फंड जुटाने का तरीका ये दोस्तों। तो जिनको भी ऐसा लगता है कि मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, गलत चीज़ें बता रहा हूँ, वो चाहे तो वीडियो को जो कि स्किप करके या एग्जिट करके जा सकते हैं। कोई भी मतलब आपको मतलब देखने के लिए प्रमोट नहीं करता हूं, मतलब आपसे रिक्वेस्ट नहीं करता हूं कि आप आकर के हमारी वीडियो को देखें। पहला स्टॉक हमारा खेतान केमिकल है। खेतान केमिकल की बात करें तो आज के दिन इस स्टॉक में 5% की तेजी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि ये छोटा स्टॉक है, इसलिए रिटेल इन्वेस्टर का ये मतलब कि ज्यादा से ज्यादा फेवरेट स्टॉक बनता है। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी नहीं दोस्तों कि एक समय मतलब कि ऐसा भी आता है कि छोटे छोटे जो स्टॉक होते हैं इनमें मतलब कि आपका पैसा फंस भी सकता है। हालांकि बहुत डेली बेसिस पे देखा है तो कुछ लोग मतलब कि इसमें लॉस भी करते हैं, ऐसा भी नहीं है। जैसे मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए आज अगर मैं इंट्राडे की बात करूँ या तेजी की बात करूँ तो इस तेजी कब आई, तेजी की अगर मैं बात करूँ तो तेजी ये जो देखने को मिला है बहुत देर के बाद लगभग 11 बजे 10:30 बजे के आसपास देखने को मिला। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि 10 बजे के आसपास इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली, उसके बाद ही तेजी देखने को मिला है। तो क्या आपको क्या लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर ने आज के दिन बाइंग किया होगा? नहीं दोस्तों, जाहिर सी बात है जिसने भी बाइंग किया होगा आज के दिन इस स्टॉक को टॉप पे ही बाइंग किया होगा। टॉप की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 85 के आसपास 84 के आसपास ही बाइंग किया होगा। जिन लोगों ने बाइंग किया आप चाहे तो वो कमेंट भी कर सकते हैं। वहाँ से अगर इस स्टॉक को पकड़ेंगे तो 3 रुपये डिस्काउंट पर कंपनी अवेलेबल हो गई। जैसा कि 3% आप कह सकते हैं कि एग्जिट एक कंपनी डाउन हो गई। तो मेरे पॉइंट दोस्तों, जो भी इन्वेस्टर खेतान केमिकल को बाइंग करना चाहते हैं, अगर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर दोस्तों, तो कोई डाउट मतलब कोई बात नहीं, आप चाहे तो मतलब थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड करके फिर चाहे तो आप चल सकते हैं। कोई भी जो कि रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, गिरावट होती है जैसा कि हमने बताया दोस्तों कि ये कंपनी 70 से 75 रुपये के आसपास भी आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय में ये कंपनी 100 के ऊपर ही ट्रेड करने वाली है। अगला स्टॉक हमारा सिगाची इंडस्ट्री है। सिगाची इंडस्ट्रीज की बात करें तो देखिए कंपनी के बिजनेस पे दम है। कंपनी के मतलब जिस टाइप का भी डिसीजन लिया है, कन्वर्सेशन वारंट जो कंपनी जारी कर रही है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि एक टाइप का ये भी फंड जुटाने का तरीका ये दोस्तों कंपनी का। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्सेशन वारंट इनका जो कि मतलब बिकेगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक खरीदेगी उतना ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को फायदा होने वाला है। इसमें एक लॉकिंग पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है दोस्तों, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि मार्केट ने थोड़ा सा इसको मतलब कि निगेटिव भी रिएक्ट किया था। हालांकि हो सकता है कि मतलब मेरे पॉइंट से देखिए अभी उसके बाद तो इस स्टॉक में रिकवरी भी किया था, लगभग 17-18% कंपनी गिरने के बाद 12-15% पे आ गई थी। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक ने रिकवरी भी किया। इससे रिलेटेड हमने कल के दिन ही वीडियो बना दिया था सेपरेटली, तो आप जाके उसको जो कि चेकआउट कर सकते हैं, आई बटन पर लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी की अगर मैं एक महीने की बात करूँ तो एक महीने में आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी अभी तक लगभग, अगर इसको मैं ऑल टाइम हाई से कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि लगभग 25-20% कंपनी डाउन हुई थी। उसके बाद स्टॉक ने रिकवरी भी दिखाया, लेकिन बहुत ही कम समय दोस्तों इस स्टॉक ने रिकवरी भी दिखाया था, मतलब लगभग 30% का कंपनी रिटर्न भी बना के दिया था। तो सिगाची इंडस्ट्री दोस्तों कोई खराब कंपनी नहीं है, जिनको भी मौका मिलता है आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आप ले सकते हैं। हालांकि दोस्तों गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी 70 रुपये के आसपास, वही मतलब 70 और 65 के बीच में ये कंपनी चल सकती है। वही तेजी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी एक दिन 100 रुपये के लेवल को टच करेगी। अगला स्टॉक हमारा जेन टेक्नोलॉजी। जेन टेक्नोलॉजी की भी अगर मैं बात करूँ तो इस स्टॉक में देखिए आज के दिन तो एक प्रॉपर ट्रेडिंग किया है। बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को अभी तक बाइंग नहीं किया, तो मेरे पॉइंट से बाइंग कब करना है, जब पूरी तरह से अपर सर्किट लग जाएगा तब तो आपको मिलेगा नहीं, पूरी तरह से लोअर सर्किट लग जाएगा तब भी आप मतलब खरीद सकते हैं, फिर बेच नहीं सकते। और जब लोअर सर्किट में आप सभी लोगों को पता है कि तब तो आप लोअर सर्किट कब किस कारण से लगा है क्या है वो आप पता करने में टाइम लगा देंगे और फिर जो है कि आप बाइंग भी नहीं कर पाएंगे। हालांकि दोस्तों मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कि मैं इसी स्टॉक को प्रमोट कर रहा हूँ। हाँ, मेरे पॉइंट से दोस्तों एकदम बेस्ट स्टॉक है। ऐसा क्यों कि कंपनी छोटी है, छोटी कंपनियों के बड़े होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, लेकिन हाँ छोटे होने के भी उतने ही चांस रहते हैं। तो रिस्क तो दोस्तों पूरे स्टॉक मार्केट में है, ऐसा नहीं कि आपने मतलब कि जिस कंपनी में पैसा लगाया तो एक सेफली रिटर्न बना के देता रहेगा, नहीं दोस्तों। आपने एक अच्छी कंपनी में पैसा लगा, हो सकता है कि रिटर्न मिले भी नहीं, जैसे इस समय HDFC बैंक में बहुत सारे लोग परेशान हैं, जो कि देखा है मतलब बहुत सारा। अगर मैं बजाज फाइनेंस की बात करूं तो भी स्टॉक इतना कुछ खास मतलब कि रिटर्न अभी साल भर में तो बना के नहीं दे रहा है, और इधर देखा है तो उसमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो ऐसे कुछ स्टॉक भी है दोस्तों जो कि चलते नहीं हैं। तो ऐसा नहीं कि आप जो कि मतलब सेफ रिटर्न कमाने के चक्कर में आप एक स्लो रिटर्न भी ले सकते हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब आप फास्ट रिटर्न कमाएंगे तो आपको रिस्क लेके भी चलना पड़ेगा। तो मेरे पॉइंट से
जिन टेक्नोलॉजी एकदम बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, आज की अगर मैं बात करूँ 987 रुपये देखने को मिला है, यहाँ पे देखेंगे तो लगभग आप कह सकते हैं कि 1000 के टारगेट को हमारे कंपनी ने अचीव किया ही है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है हो सकता है कुछ दिनों तक ये कंपनी एक मतलब कि साइडवेज पैटर्न में भी चल सकती है। यहाँ पर अगर एक महीने में देखेंगे तो 12%, 6 महीने की बात करें लगभग वही 12% ही देखने को मिल रहा है। ये कंपनी एक साइडवेज पैटर्न में चलने के बाद सडनली एक तेजी देखने को मिलती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बेशक आप कह सकते हैं कि रिजल्ट ही इस कंपनी का मतलब रिजल्ट या ऑर्डर कुछ गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ अच्छे पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल जाते हैं उसी टाइम इस स्टॉक में सीधा अपर सर्किट लग जाता है। जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना है मेरे पॉइंट से, हो सकता है देखिए इसमें एक अपर सर्किट लोअर सर्किट का खेल रहता है, तो हो सकता है कि 900 रुपये के आसपास ये कंपनी आ सकती है। अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी 1000 के ऊपर अभी ट्रेड करने वाली है। हमारा डेटा पैटर्न, सो डेटा पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन ये स्टॉक 6.5% के आसपास डाउन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से इस स्टॉक में प्रेशर क्रिएट हुआ दोस्तों, और आखिरी क्षण तक आप कह सकते हैं प्रेशर ही क्रिएट हुआ है। थोड़ी सी मार्केट में रिकवरी देखने को मिली, जैसा कि बहुत सारे स्टॉक में आपको इसी टाइप का रिकवरी देखने को मिला होगा। यहाँ पे दोस्तों देखा जाए जो मतलब कि कुछ इतना खास न्यूज़ तो देखने को नहीं मिल रहा है, फिर भी इसी स्टॉक ने दोस्तों मतलब कि कल के दिन 10% की तेजी देखने को मिली थी, उसी के कारण आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में आज के दिन गिरावट देखने को मिला है। कुछ लोगों के मन में डाउट होगा दोस्तों कल के दिन इस स्टॉक में इतनी तेजी क्यों थी। देखिए दोस्तों कल के दिन का जो तेजी देखने को मिला था इतना कुछ खास तेजी नहीं थी, आप कह सकते कि वैल्यूम एक अच्छा खासा क्रिएट हुआ था जिसके कारण स्टॉक में तेजी देखने को, मतलब आप कह सकते कि 10 से 11 बजे के बीच में ही लगभग 11 लाख टोटल शेयर ट्रेड हो गए थे जिसके कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। हालांकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इतना कुछ खास नहीं, शॉर्ट टाइम आप कह सकते हैं ट्रेडिंग यहाँ पे 200 दिनों का जो DMA EMA जो भी होता है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि इसमें जो गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा रीजन देखने को मिल रहा है RSI, जो यहाँ पे RSI की बात करें तो जो ट्रेंड लाइन के डेटा के अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है लगभग 82 से 90 के बीच में देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं कुछ नंबर एबव की बात करें 70 से 30 के बीच में, जो कि मतलब ओवरसोल्ड ओवरबॉट जो भी देखने को मिलता है दोस्तों आप सभी लोगों को पता है। देखिए एक्स्ट्रा जो क्या है दोस्तों 70 के नीचे है, 70 के आसपास है, तो हो सकता है कि मतलब उसको एक नॉर्मल ट्रेडिंग सीजन में रख सकते हैं। लेकिन जैसे ये स्टॉक का RSI कितना था यहाँ पर रिपोर्टेड बाय ट्रेंड लाइन डेटा के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो 90 से 82 के आसपास था, जिसके कारण इस स्टॉक का जो RSI था दोस्तों बढ़ गया, जिसके कारण एक बिकवाली देखने को मिली है, तो एक शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग देखने को मिला। तो ऐसे में जो भी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहे दोस्तों, देखिए सबसे पहले आपसे बता दें यहाँ पे आप देखेंगे 3080 रुपये का कंपनी 4 मार्च को ही हाई लगाया था। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि जो भी मतलब इतना कुछ खास वैल्यूम बना नहीं, फिर भी 40% माल डिलीवरी में उठाया गया। इस स्टॉक को जो भी रिटेस्टर बाइंग करना चाहते हैं मेरे पॉइंट से देखिए आपके लिए कोई भी मतलब बॉन्ड नहीं है दोस्तों। इस स्टॉक में और भी गिरावट होती है तो ये कंपनी 2500 के आसपास आ सकती है मेरे पॉइंट से। हालांकि छोटी कंपनी है, जैसा कि हमने कल के दिन ही वीडियो में डिस्कस किया था कि जिस टाइप से इस स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है उसी टाइप से गिरावट भी देखने को मिलती है। सेम आप देख भी सकते हैं कि आज के दिन वो हिस्ट्री रिपीट होते हुए भी दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 6%, एक महीने की अगर मैं बात करूँ तो एक महीने में देखेंगे तो 43% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। यहाँ पे अगर मैं 1 साल की बात करूँ तो आप देख भी सकते हैं कि इस स्टॉक में कई बार इसी टाइप की गिरावट देखने को मिलती है। अब ये गिरावट अगर कंटिन्यू रहती है दोस्तों तो कितना तक ये स्टॉक गिर सकता है, तो मेरे पॉइंट से ये स्टॉक ऑल टाइम हाई से लगभग आप कह सकते हैं 30% के आसपास डिस्काउंट पे अवेलेबल हो सकता है। हालांकि आपको क्या लगता है चाहे तो आपको कमेंट भी कर सकते हैं। मेरे पॉइंट से ये कंपनी गिरावट होती है 2500 रुपये, तेजी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि लगभग 3000 के ऊपर कुछ दिनों तक ट्रेड करते दोस्तों, तो अगला आप कह सकते हैं कि HLA भी बन सकता है। हालांकि HLA का मतलब HLA से भी ज़्यादा फास्ट रिटर्न बना के देने वाली कंपनी अभी ये बन गई है। देखिए एक छोटी कंपनी है HLA के मुकाबले, और HLA के बहुत दिनों के बाद ये कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग हालांकि प्राइस की बात करूँ तो मेरे पॉइंट से HLA बहुत बड़ी कंपनी है, और HLA का कंपटीशन मतलब कि इसको कंपेयर करना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो मेरे पॉइंट दोस्तों HLA के बहुत दिनों बाद ये कंपनी आई हुई है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि HLA के साथ भी इस कंपनी का कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों HLA जो भी प्रोडक्ट बनाएगा या इसरो DRDO की बात करें जो भी काम करेंगे दोस्तों बिना इस कंपनी के सहयोग के नहीं कर सकते। तो हो सकता है दोस्तों कि इस स्टॉक में गिरावट होती है 2500, तेजी की बात करें 3000 के ऊपर ये कंपनी ट्रेड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।